न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। बढ़ते हुए तापमान ने जनजीवन को प्रभावित किया है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भीषण गर्मी करने वाले जिलों में शुमार बड़वानी और खरगोन जिलों में गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटों में बड़वानी और खरगोन जिलों में लू चलने की संभावना है। इसके अलावा प्रदेश के लगभग 14 जिलों में भी गर्मी का तेवर देखने लायक है। गर्मी की हालात देखकर बड़वानी और खरगोन जिलों में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। वहीं आंगनवाड़ी लगने के समय में भी बदलाव किया गया है। वहीं निमाड़ अंचल में गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। कूलर एसी अभी से हांफने लगे हैं। शहर में तापमान बढ़ने के साथ ही बिजली और पानी की खपत भी बढ़ गई है। इसी सप्ताह के तापमान पर नजर डालें तो रोजाना बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते दो दिनों से खरगोन का पारा 43 के पार पहुंच रहा है। हालांकि दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं से लोग जहां घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं, तो वहीं रात में उमस ने लोगों की बेचैनी बढ़ा रखी है। गर्मी से बचने के लिए कूलर में पानी डालने व पीने में ही खत्म हो जा रहा है। खरगोन शहर में एक दिन छोड़कर पानी सप्लाई किया जाता है, जिससे कई मोहल्लों के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है। इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर निकलते हैं, वह भी पूरा चेहरा लपेटे हुए। दिन भर पंखे कूलर एसी चल रहे हैं, फ्रिज के दरवाजे भी बार बार खुल रहे हैं। मई माह में बढ़ा हुआ बिल प्राप्त होता है तो लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। वहीं गर्मी के कारण लोग पानी का इस्तेमाल भी अधिक कर रहे हैं। कई वार्डों में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। लोगों को पानी के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है। इतनी जल्दी गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। प्रदेश के जिन जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी है, उनमें बड़वानी और खरगोन जिले भी शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार अलग अलग जगह तीन मौसम सिस्टम एक्टिव है। प्रदेश में गर्मी से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली।